तो खबरों की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझिए आरसीपी सिंह आज पहुंचे, जी हां पटना पहुंचे एयरपोर्ट पर। हालांकि समर्थकों की बात कर ली जाए तो स्वागत की पूरी तैयारी, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जी हां वरिष्ठ नेता, तो दूसरी तरफ ललन सिंह नहीं पहुंचे, तो क्या समझा जाए इसको। हालांकि आपको ये भी याद होगा जीबीआर झारखंड ने पूरी तस्वीर दिखाई थी, जब ललन सिंह पहुंचे थे तब भी शानदार स्वागत किया था और आज जब आरसीपी सिंह पहुंचे तब भी स्वागत किया गया। लेकिन इसमें समझिए आप कि क्या वाकई जेडीयू के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन की बात सामने आ रही है, क्योंकि देखिए विपक्ष को तो मौका मिल गया है। एक तरफ जेडीयू बात करती है कि संगठन को मजबूत किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं अब सवाल उठने लगे हैं कि जेडीयू में वाकई गुटबाजी चल रही है। और आपको ये बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिखे तो दूसरी तरफ ललन सिंह भी नहीं दिखे। हालांकि देखिए दलीलें अपनी अपनी दी जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो स्वागत समारोह किया गया, जो आयोजन किया गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई खुद ही चल रही है। एक तरफ ललन सिंह आते हैं तब स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह पहुंचते हैं तब भी स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हर कोई कार्यक्रम में हर कोई कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन देखिए सवाल उठना लाजमी है कि अगर आप पटना में मौजूद हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा पटना में नहीं थे, पटना में मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनका कहना है कि देखिए मेरा कार्यक्रम है। और एक बात और भी समझनी होगी, अगर बिहार की राजनीति को आप समझिए, पोस्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, पोस्टर वॉर लगातार छिड़ा रहता है, लेकिन अभी तक तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर देखा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं गली मोहल्ले में, पटना के हर गली में पोस्टर लगाए गए, और ये समझिए पोस्टर से उपेंद्र कुशवाहा गायब रहे तो उसका क्या मतलब है, ये बखूबी समझा जा सकता है। वो लगता है कि अब ठीक से आंकड़ा मुझको नहीं मालूम, लेकिन 25 लाख 50 लाख सदस्य होंगे, तो 50 लाख सदस्य आज इस कार्यक्रम में शामिल हो इसकी कोई आवश्यकता है क्या? कोई मीटिंग तो है नहीं पार्टी की जिसमें अनिवार्य रूप से किसी को रहने की जरूरत है, लोग भाग ले रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति भाग ले इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और कार्यक्रम मेरा पहले से लगा हुआ भी है तो उन तमाम कार्यक्रमों को रोक करके सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ 100% हो इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। तो देखिए आरजेडी नेताओं का ये दावा है कि अब तो जेडीयू जल्द ही बिखरने वाली है, क्योंकि मौका मिल जाता है ऐसे मौके पर विपक्ष को, और विपक्ष लगातार अब ये कह रही है कि लगता नहीं है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है आइए सुनते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू में दो फाड़ हो गया है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी तस्वीर नहीं है, आज केंद्रीय मंत्री पटना आ रहे हैं, उसके लिए जो होर्डिंग और बैनर लगाए गए जो तैयारी है उसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रण नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीर नहीं है। अब क्या कहेंगे जेडीयू के लोग, जेडीयू तो ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। आरसीपी सिन्हा जी के आगमन पर क्या उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं इस पर हमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कहावत चरितार्थ है, अपने हारे हुए मेहरी के मारे हुए वो कहीं कुछ बोल नहीं पाते हैं, यही स्थिति आज उपेंद्र कुशवाहा जी का और ललन सिंह जी का हो चुका है। सब के कुचक्र रचे हुए माननीय नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बन के सभी नेताओं को बेइज्जत आरसीपी सिंह के माध्यम से करवाने का काम कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बेइज्जत करवाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए बिहार की सियासत की बात करें तो गर्मा चुकी है और बयानबाजी भी खूब हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, लगातार आप सुबह से दिखा भी रहे हैं, स्वागत की तैयारी भी दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए अब ये बात तो होगी कि आरसीपी सिंह पहुंचते हैं लेकिन स्वागत में उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं रहते। स्वागत की बात नहीं है, सवाल उठता है कि पार्टी दफ्तर में भी नहीं रहते और ललन सिंह भी नहीं रहते, तो ये तो तय है कि जेडीयू में वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए सही बात है कि जेडीयू में वाकई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिन जब
ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें जो अभय कुशवाहा ने अपने पोस्टर लगाए थे उससे गायब थे। तो उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में जो लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें पर जो है कार्रवाई किया जाएगा और उन्हें इस कार्रवाई का जो भी नतीजा है वो भुगतना होगा। तो चीजें बता दे रहे हैं कि जब ललन सिंह जब एयरपोर्ट पर आए हुए थे तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उनके स्वागत में नहीं गए हुए थे, लेकिन आज वही आरसीपी सिंह जब आए हैं तो आरसीपी सिंह के आने के बाद उस समय जो है वो जो है आज गए हुए थे। और खास तौर पर अभी दिखा दें कि आरसीपी सिंह इसी रास्ते से आ रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से जो है पूरी तरह देखिए कि पूरी तरह जाम जो है वो लगा हुआ है। और ये जो है राजभवन के सामने जो वीआईपी चेक पोस्ट है वहाँ का एरिया है। अभी की राजनीति की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि जो पार्टी में जितने भी सदस्य हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य जो हैं वो कार्यक्रम में रहें। खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रहना और ललन सिंह का नहीं रहना एक राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएँ हैं उस पर आनी शुरू हो गई है। और आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जेडीयू में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आरजेडी को एक मौका मिल गया है। रुपेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई जिस तरह से अब आरजेडी कह रही है कि जेडीयू बिखरने वाली है, एक तरफ जेडीयू की बात करें संगठन को मजबूत करने की बात कही जाती है, चाहे आप ललन सिंह की बात कर लें उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, आप दफ्तर में हैं क्या कुछ देख रहे हैं किस तरह से स्वागत की तैयारी, लेकिन ये सवाल उठेगा कि वाकई जेडीयू में अंतर विरोध की जो बात सामने आ रही है अब वो खुलकर आ रही है और अब लोग भी देख रहे हैं और खासतौर पर विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल मुद्दा मिल गया है विपक्ष को और ये कह सकते हैं कि जो नेता उस दिन थे ललन सिंह के स्वागत में वो आज नहीं है। भले ही पार्टी के एकजुट होने की दावा किया जा रहा है लेकिन जो अंतर विरोध है जिसकी बात हो रही है वो अंतर विरोध तो साफ दिख रहा है। और तमाम जो अब ये कहेंगे कुछ ही देर में जो आरसीपी सिंह हैं वो आएंगे और उनके स्वागत में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं राज्य भर से आए हैं, चूँकि एक अलग वर्ग है जो पार्टी के अंदर वो स्वागत कर रहा है। और जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी पटना में यहाँ वहाँ नहीं गए उनके स्वागत में, और अभी पार्टी कार्यालय में भी उनके आने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक जो अंतर विरोध है या कहें कि उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है ये अपने आप में सब चीज़ें कहती हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इसमें कुछ इसमें ये कह सकते हैं कोई अपने आप में ही जो संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं वो हैं और पार्टी के कुछ नेता हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं आए और ललन सिंह का भी नहीं है कि यहाँ आएंगे स्वागत करने, क्या लगता है क्या समझ? नहीं नहीं कार्यक्रम तो पहले से उपेंद्र जी का लगा हुआ है हमारे नेता का। अरब अच्छा कार्यक्रम लगा हुआ है जहानाबाद में, उनका पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है। अच्छा। वो कोई नई बात नहीं थी, उनका कार्यक्रम 20 दिन पहले घोषित हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना में है लेकिन उनका कोई आने का कार्यक्रम? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना में है नहीं, हम लोग की जानकारी में नहीं है। अगर हो तो होंगे, अगर कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो जरूर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सब पार्टी एकजुट है, पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और हमारी पार्टी में सिर्फ एक नेता है, उस नेता का नाम है नीतीश कुमार, सबके नेता नीतीश जी हैं। सख्त प्रदर्शन हो रहा है चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे राष्ट्रीय, कोई सख्त प्रदर्शन नहीं है, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जितने कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता ललन बाबू के स्वागत में भी थे और वही सारे कार्यकर्ता आज आरसीपी बाबू के भी स्वागत में है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है हमारे पार्टी में, जो विचार से चलने वाली पार्टी है, ये अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। तो साफ तौर पे भले ही नेता लोग कह रहे हैं कि अनुशासन में चलने वाली पार्टी है लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सामने मंच है और यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अब बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जो है गेट के बाहर हैं, कर्पूरी सभागार है, चूँकि इसमें सब लोग नहीं आ सकते, जद्दोजहद यहाँ का बहुत देर से चल रही कि अंदर आने को लेकर अभी आरसीपी का काफिला आना बाकी है। देखिए इस तरफ अब दिखाएंगे गेट किस तरह से, गेट पर जो एक तरह से कहें कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आना चाहते हैं लेकिन उनको कैसे रोका जा रहा है, किस तरह से वो ये कहें कि जो अंदर आने से उनको रोका जा रहा है और उसको लेकर एक बड़ा विरोध जो है पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं को ही यहाँ आने दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा विरोध भी है पार्टी के अंदर की जो नेता दूर जो कार्यकर्ता दूर दूर से कई जिलों से आए हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है इस कर्पूरी सभागार में, उसको लेकर भी एक रोष है। और कहा जाए वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेता हैं हमारी वजह से ही नेता हैं, हम वोट देते हैं तो नेता बनते हैं विधायक बनते हैं, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन
नेता लोग अंदर जा रहे हैं, तो ये भी एक विरोध यहाँ चल रहा है। और कुछ देर में काफिला जब यहाँ पे आएगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। रुपेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, देखिए आपको दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि देखिए नेता एक ही हैं, वो हैं नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही है इस पर सियासत भी खूब हो रही है। तो आपको बता दें कि देखिए आज जब स्वागत की तैयारी की जा रही थी, हालांकि जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे आरसीपी सिंह, भव्य स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि देखिए एनडीए की बात कर लें, जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है और जो भी नए कैबिनेट मंत्री हैं वो अपनी इलाके में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर जो योजना है और किस तरह से सरकार की जो योजना होती है वो बताया जाएगा। और इसी के मद्देनजर आरसीपी सिंह भी पहुंचे बिहार, वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद वो नालंदा भी जाएंगे, शेखपुरा भी जाएंगे और तस्वीरें लगातार आपको हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट पर भी समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, रुपेंद्र बने हुए हैं, शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र आप वहीं पर हैं पार्टी दफ्तर में, जब आपने पूछा कि देखिए ललन सिंह पटना में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो आएंगे, तो इसका गोलमोल जवाब दिया गया। क्या आपको लगता है क्या दफ्तर पहुंचेंगे ललन सिंह, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए अभी तक का कोई उनका कार्यक्रम यहाँ आने का नहीं है। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साफ तौर पे है कि उनके यहाँ आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं। अगर उनको आना होता तो वो आते, और हो सकता है कि अंतिम समय में कोई चीज़ें बदलें तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो सूचना है, जो जानकारी है हमारे पास, उसके अनुसार उनको उनके आने का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। उनको यहाँ पर एक तरह से कहें कि नहीं आना है, आगे क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन और जो चीज़ें हैं और जो चेहरे हैं, ये कह सकते हैं कि उस दिन जो चेहरे थे वो आज नहीं हैं और आज चेहरे जो हैं वो उस दिन नहीं थे, तो बदले हुए चेहरे हैं पार्टी के अंदर। जो चीज़ें हैं या जिस तरह की गुटबाजी या अंतर विरोध की बात हो रही, वो सब एकदम साफ है। और जाहिर सी बात है कि एक शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से, चाहे इससे पहले ललन सिंह जब आए थे तब रहा हो या आज हो, आज भी वही चीजें हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अहम बात की आपने, शक्ति प्रदर्शन, और यही तस्वीरें बयां भी कर रही है। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए, रुपेंद्र देखिए आप लगातार कवर भी कर रहे हैं, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ललन सिंह जब आए थे तब भी भव्य स्वागत किया गया था, एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। अब आज आरसीपी सिंह भी पहुंच रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या डिफरेंस देखा गया? देखिए शक्ति प्रदर्शन तो जरूर है, और अपने दर्शकों को बता दे कि ये गाना था आज देखे जरा किसमें है कितना दम जी, वही चीज आज देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ललन सिंह जब आए हुए थे तो उस समय शक्ति प्रदर्शन किया गया था और दिखाया गया था कि हमारे पास कितनी शक्ति है। और उस समय आरसीपी सिंह के जो समर्थक थे वो चुप रहे, लेकिन जब आरसीपी सिंह आए हैं तो ललन सिंह के जो समर्थक हैं वो चुप हैं, और आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने साफ दिखा दिया है कि हम जो हैं हम आपसे आगे हैं। यही कारण है कि दोनों के जो आने का जो यात्रा हुआ, जो दोनों पटना में पहली बार जब आए हैं और उसके बाद जो है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो यहाँ से गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ये यहाँ से लेकर और जेडीयू कार्यालय जो है वहाँ तक गाड़ियों की कतार जो है वो लगी है। दूसरी तरफ गाड़ियाँ जो हैं लगातार एयरपोर्ट से हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं कि लगातार जो है आपको एयरपोर्ट से भी जो गाड़ियां हैं आरसीपी सिंह के स्वागत में जो स्टिकर लगी हुई हैं वो लगातार जो है आ रही हैं। आरसीपी सिंह के निकले हुए एयरपोर्ट से लगभग अब एक घंटे होने को हैं, लेकिन वो महज अभी एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी भी जो है आरसीपी सिंह है वो नहीं पार कर पाए हैं। तो ये यही देखा जा सकता है कि जो ललन सिंह को 3 घंटे लग गए थे आने में एयरपोर्ट से जेडू कार्यालय तक, अब वही चीज़ जो है आरसीपी सिंह के साथ दोहराया जा रहा है कि ये चीज़ दिखाई जा रही है कि हम जो हैं किसी से कम नहीं है। वाकई रुपेंद्र आपने पहले ही कह दिया किसमें कितना है दम। शैलेंद्र देखिए आप पार्टी दफ्तर में हैं और ये दावे तो किए जाते हैं पार्टी एकजुट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू में एक बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया, जीबीआर झारखंड की तरफ से जब सवाल किया गया, उनका ये कहना है कि देखिए हर कोई कार्यक्रम में, जरूरी नहीं है कि हर कोई पहुंचता, लेकिन सवाल उठता है कि वो पटना में मौजूद रहते हैं। पहले तो पोस्टर के जरिए एक दिखाया गया कि जगह नहीं दी गई उपेंद्र कुशवाहा को, तो इससे साफ जाहिर होता है कि
आज जब आरसीपी सिंह पहुंचते हैं, जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो स्वागत की तैयारी की गई है, तो एक तरीके से यह समझा जाए कि यह वर्चस्व दिखाया जा रहा है कि देखिए कौन है सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में। जी बिल्कुल, वर्चस्व दिखाया जा रहा है, अपनी मजबूती दिखाई जा रहा है। और वस्तुतः दूसरी बात करें कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले संगठन महामंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे जदयू की, तो पार्टी के जो नेतृत्व है या पार्टी का जो कहें कि संगठन है उनका खड़ा किया हुआ, चाहे राज्य में हो, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, जिलों में हो, जो संगठन के लोग हैं वो आरसीपी के लोग माने जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि बड़ा जो समर्थक वर्ग है वो उन्हीं का है जो उन्होंने अपॉइंट किया है, तो अभी उसमें कोई परिवर्तन उस तरह से हुआ नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं, जो कहें कि स्थितियां हैं, वो अपने आप में अलग हुई। और ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पूरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें साफ तौर पर है कि वो जेडीयू के लोगों से नहीं मिलते हैं, वो उनकी पार्टी जो पुरानी रही आरएलएसपी के लोग रहे हैं, उनको एकजुट करने में वो लगे हुए हैं। और जो जाते हैं तो वहाँ पर जो आरएलएसपी के नेता थे, तमाम पहले उनकी पार्टी थी, उसका चूंकि उन्होंने विलय किया था, उन नेताओं से मिलते हैं, उनको संगठित करते हैं, उनको आपस में एक करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पार्टी के अंदर जो कई धाराएं हैं, कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, सर्वमान्य नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, ये कहेंगे जो चीज़ें दिख रही हैं, जो संदेश दिया जा रहा है, वो साफ तौर पे है, बिल्कुल अलग है, चाहे बयानों का मामला हो, चाहे आने के लिए, बिल्कुल चाहे बयान की बात कर ले, ताकि विचार की बात कर ले, कुछ ना कुछ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, शैलेंद्र उपेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, आइए वो भी सुनते हैं। आरसीपी सिंह जी पहली बार बिहार आ रहे हैं, उनका उनके कार्यकर्ता सब मिल करके स्वागत कर रहे हैं, सभी बात सभी को जानकारी हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये उनके पार्टी का अंदर का मामला है, हम लोग को क्या पता है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार बिहार के हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और यह कार्यक्रम पहले से तय है, और इसी कार्यक्रम के तहत वो पुनः जिले के दौरे पे जैसे निकले हैं। जहां तक आरसीपी बाबू के आगमन की बात है, निश्चित रूप से पार्टी के जो लोग भी हैं रहेंगे वो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और ऐसा नहीं है कि पार्टी के हर लोगों को वहां उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। पहले से जिनके जो कार्यक्रम लगे हुए हैं वो कार्यक्रम भी चल रहा है, और आरसीपी बाबू जो पटना पहुंचेंगे वहां जो लोग उपस्थित होंगे निश्चित रूप से वो लोग सम्मिलित होंगे। तो देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है और सबके अपने अपने दलील है, एक तरफ विपक्ष कुछ और कह रहा है तो पार्टी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसमें कुछ साफ तौर पर अपना स्टैंड नहीं दिखा रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि देखिए यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि कौन कितना यहां पर दमदार है, और आप दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो काफिला है वो पहुंच रहा है और चलते आ रहा है। क्या जब आप एयरपोर्ट पर भी थे, आप मौजूद, किस तरह से स्वागत की तैयारी की गई थी, और जब ललन सिंह पहुंचे थे आपको याद होगा सुबह से ही ऊंट लगाए गए थे, हाथी लगाए गए थे, एक तरीके से दिखाया गया था कि मजबूत दावेदार संगठन को मजबूत करने की बात उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं, ललन सिंह भी करते हैं और आरसीपी सिंह भी करते हैं, लेकिन वाकई आपको ऐसा लगता है? देखिए जो ललन सिंह ने ऊंट लगाए हुए थे, घोड़े लगाए हुए थे, वही ऊंट और घोड़े जो है वो आरसीपी सिंह में भी लगाए गए हैं। जी, जी, साथ ही उसमें भी जो है वो भी आए हुए थे, तो झारखंड से जो नृत्य और करने वाले लोग थे तो उनको बुलाया गया था, और इसमें भी झारखंड से जो नृत्य करने वाले जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। ख़ास तौर पर अभय कुशवाहा ने अलग अलग तरह के बैंड जरूर मंगाए हैं। अभय कुशवाहा जो पार्टी के जो है युवा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व विधायक हैं, उनसे जब हमने पूछा, क्योंकि उन्होंने ही ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर जो है वो अपने पोस्टर में पहली बार जो दायर किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि हर जो एक समर्थक जो है ये गुटों में जिस तरह से समर्थक बढ़ जाते हैं उस तरह से गुटों में जो है समर्थक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल खूब कहा आपने कि देखिए जिस तरह से स्वागत की तैयारी तब हमने तस्वीरों में दिखाया था, आज भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया, आगे भी अपडेट लेंगे, देखते हैं कि जब दफ्तर पहुंचते हैं पार्टी दफ्तर किस तरह से तैयारी और क्या कुछ देखने को मिलेगा, शुक्रिया आपका। तो जी हाँ, देखिए पूरी तैयारी की गई है
अब जेडीयू में जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है इस पर और कितनी राजनीति होगी ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। सीमांचल का तेजी से विकास,